हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू झारखंड परीक्षा ये होमवर्क सीरीज का जो टेस्ट है उसी का एक्सप्लेनेशन है ओके okay? तो ये डेली बेसिस पर हो रहा है और ये टेस्ट नंबर थ्री झारखंड आर्ट्स एंड कल्चर टेस्ट नंबर थ्री का एक्सप्लेनेशन है तो टेस्ट नंबर थ्री में क्या है टेस्ट नंबर थ्री में उरांव ट्राइब्स से संबंधित क्वेश्चन है ओके okay? इसमें टोटल जो है बीस क्वेश्चन है और अगर आपने इन करके रखा है करके कर रखा है तो आप पहले टेस्ट को इनरोप कर लेंगे उसके बाद ही एक्सप्लेनेशन को देखेंगे अगर आपने नहीं किया है तो आप इसको देखिए अच्छे से ठीक है और कोशिश हमेशा मेरी रही है कि टेस्ट जो है टेस्ट देने के तुरंत बाद एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया जाए तो दो तीन दिन से ये थोड़ा सा लैक कर रहा है ये कल तक मैं ठीक कर दूंगा इसको ओके तो टेस्ट नंबर थ्री है उरांव ट्राइब्स इसके पहले दो टेस्ट जो कि संथाल ट्राइब से जुड़े हुए थे उसका एक्सप्लेनेशन अपलोड हो चुका है ये दोनों जगह मिलेगा एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा और यूट्यूब में भी मिल जाएगा ओके क्वेश्चन नंबर वन है झारखंड में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है तो नंबर एक पे अगर 2011 सेंसस की बात करें 2011 सेंसस की बात करें तो नंबर एक पे कौन सा आता है नंबर एक पे आता है भील ओके okay. नंबर दो पे आता है गोंड नंबर तीन पे आ जाता है संथाल नंबर फोर पे क्या आ जाता है नंबर फोर पे आता है उरांव और नंबर फाइव पे आ जाता है मुंडा ये जो बोला गया ये इंडिया लेवल की बात हो रही है ओके okay. अब यही चीज अगर हम लोग झारखंड में देखें तो झारखंड में क्या स्थिति है झारखंड में नंबर एक पे है संथाल झारखंड में नंबर एक पे है संथाल नंबर दो पे है उरांव नंबर दो पे है उरांव तीन में है मुंडा तीन में है मुंडा फोर में क्या है फोर में हो ट्राइब्स है ओके पांच में खरवार है उसके बाद लोहरा है ठीक है इस तरह से है तो दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है झारखंड की बात की जाए तो ये उराव है ऑप्शन बी उरांव नेक्स्ट झारखंड में उराव जनजाति का आगमन किस क्षेत्र से हुआ था सप्त तो सैंधो दक्षिण तो भारत उत्तर पूर्वी ये जो मैप आप देखते हैं है ना तो इसमें क्या है कि ये वाला जो एरिया है ना ये वाला जो एरिया है ये वाला एरिया ये वाला एरिया इसको बोलते हैं सप्त तो सैंधो प्रदेश ओके जो सात नदी से बना हुआ क्षेत्र है है ना सतलज ब्यास रावी चेनब चेनाब झेलम जो है तो उसी एरिया को सिंधु और सरस्वती को मिला दीजिए उसी एरिया को सप्त सिंधु प्रदेश बोलते हैं ठीक है तो ये एरिया इस एरिया से आगमन नहीं हुआ था उत्तर पूर्वी भारत इस एरिया से भी आगमन नहीं हुआ था पश्चिम भारत इससे भी आगमन नहीं हुआ था तो झारखंड में उड़ाव जनजाति का जो आगमन हुआ है ये झारखंड है ओके ये हो गया झारखंड तो यहां दक्षिण भारत से जो है इनका आगमन हुआ है दक्षिण भारत से इनका आगमन हुआ है और यही कारण है कि दक्षिण भारत में जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है कर्नाटक हो गया कन्नड़ जहां बोला जाता है तो कन्नड़ जो भाषा है उससे इनकी जो भाषा है कुड़ुक भाषा वो मिलती जुलती है ओके तो यहां से जब ये आए थे झारखंड में तो यहाँ बिहार है ठीक है ये जो है बिहार है तो पलामू और गढ़वा से लगता हुआ रोहतास जिला है ये कैमूर ये कैमूर पहाड़ी है तो कैमूर पहाड़ी के पास ही आए थे कैमूर से फिर इनका आगमन झारखंड में हुआ था ठीक है तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दक्षिण भारत ये दक्षिण भारत से आए थे इसके बाद उरांव जनजाति का निवास झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक है अब झारखंड में जब ये आए झारखंड में जब ये आए तो इसमें क्या हुआ कि ये दक्षिण भारत से ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ तक आ गए थे ठीक है यहां तक आ गए थे, थे दक्षिण भारत से अब यहां से क्या होता है ये उरांव और पहाड़िया साथ में आते हैं ठीक है तो उराव क्या करता है कि जो मुंडा जनजाति का आगमन होता है मुंडा बहुत पहले आया है ना मुंडा का आगमन जो है बहुत पहले हुआ है ठीक है मुंडा का आगमन जो है मुंडा के बाद हो जनजाति आए उसके बाद उरांव का आगमन होता है तो उसी रास्ते से उराव झारखंड में एंटर करते हैं जिस रास्ते से ये मुंडा जनजाति का आगमन हुआ था झारखंड में तो ये वाला एरिया हो गया पलामू का ठीक है ये पलामू का क्षेत्र हो गया तो कुछ उराव यहां पर बस गए उसके बाद जो मुंडा जनजाति है उनका जो मेन एरिया था वो था दक्षिणी छोटा नागपुर का एरिया ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये आते हैं तो स्टार्टिंग में तो जो है दोनों साथ में रहते हैं मुंडा और उरांव लेकिन बाद में क्या होता है कि दोनों में संघर्ष होने लगता है ओके और ऐसी स्थिति आ जाती है कि मुंडा ट्राइब्स उरांव जनजाति के कारण इस जगह को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं तो इस जगह में उरांव जनजाति और ये पलामू ये दो कारण है यहाँ पर आने के दौरान यहाँ रहना और मुंडा को हटा कर खुद से रहना ये दो कारण है जिसके हम लोग क्या देखते हैं कि उराव जनजाति पलामू और दक्षिणी छोटानागपुर में ज्यादा निवास कर रही है ओके तो सबसे ज्यादा पलामू और दक्षिणी छोटा नागपुर हो जाएगा तो यहाँ पलामू नहीं है इसका आंसर ऑप्शन डी दक्षिणी छोटा नागपुर हो जाएगा आपने जब मुंडा जनजाति के लिए पढ़ा होगा तो उसमें जब इसका राजवंश आया था तो आपको याद होगा कि जो मदरा मुंडा थे मदरा मुंडा ये लास्ट आ जाते हैं ना मन, मदरा मुंडा जो है ये लास्ट राजा थे और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने फनी मुकुट राय को गोद लिया था ओके तो मदरा मुंडा जो सत्ता का हस्तांतरण करते हैं तो दो कारण होता है एक तो ये फनी मुकुट राय को राजा बनाना चाहते हैं पहला दूसरा क्या है कि उराव जनजाति से ये जो है ये पूरी जनजाति परेशान हो चुकी है ओके एक ये भी कारण था तीसरा कारण ये भी था कि इनका जो प्रोसेस है राजा बनने का वो काफी ज्यादा ही जटिल था तो ये तीन कारण है उसमें से एक ये भी है कि उराव ट्रैप के कारण ये परेशान हो चुके थे और इनको ये जगह छोड़कर कहीं और जाना था तो इसमें भी इस चीज का जिक्र हुआ है ठीक है ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिणी छोटानागपुर नेक्स्ट उराव जनजाति की भाषा को क्या कहते हैं तो इनकी जो भाषा होती है इसको बोलते हैं कुड़ुक इसको क्या बोलते हैं कुड़ुक बोलते हैं और ये बहुत ही ज्यादा ही विकसित है कुड़ूक भाषा ठीक है हालांकि यूनेस्को का जो इनडेंजर्ट लिस्ट है यूनेस्को का जो इनडेंजर्ट लिस्ट है उसमें इसको शामिल किया गया है भाषा को ठीक है उसमें जो है इसको शामिल किया गया है अब यहाँ पर ये आपको जानना है अभी जस्ट मैंने पहले बताया था कि जो जो भाषा है है ये जो है, ये कन्नड़ भाषा से मिलती है तो रीजन आपको बताया गया रीजन क्या बताया गया कि ये जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है ये साउथ से ही उरांव का पलायन हुआ ना झारखंड में तो यही कारण है कि इनकी भाषा कन्नड़ से मिलती है ओके तो ये चीज आपको याद रखना है ये चीज आपको Osionfish. याद रखना है ठीक है और कुड़क भाषा जो है झारखंड में जो सेकेंड झारखंड में जो सेकेंड राजभाषा है द्वितीय राजभाषा तो इसमें सोलह लैंग्वेज शामिल है इस सोलह लैंग्वेज में भी कुड़क भी शामिल है कुड़ुक पश्चिम बंगाल का भी जो है राजभाषा सेकेंड राजभाषा है ओके ये चीज है और इस भाषा को लिखने के लिए जिस लिपि का इस्तेमाल करते हैं उस लिपि को क्या बोलते हैं उस लिपि को बोलते हैं तोलोंग लिपि इस लिपि को बोलते हैं तोलोंग लिपि और इस लिपि को कब डेवलप किया गया है 1999 में और ये नारायण उरांव के द्वारा डेवलप किया गया है ठीक है तो उरांव जनजाति की जो भाषा है उरांव जनजाति की जो भाषा है ये ऑप्शन बी कुड़ुक हो जाएगा नेक्स्ट शरत चंद्र रॉय के अनुसार उरांव जनजाति के कितने गोत्र पाए जाते हैं तो बहुत सारे गोत्र हैं उसमें से आपको मेनली जब रेफरेंस की बात होती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है तो शरद चंद्र रॉय जो है ये मानव वैज्ञानिक रहे हैं ओके और इन्होंने ट्राइब्स पर काफी ज्यादा स्टडी किया है ओके मुंडा उरांव संथाल बहुत ज्यादा इन्होंने स्टडी किया है तो इनके अनुसार उराव जनजाति की जो इन उरांव जनजाति का जो गोत्र है वो 68 है मेनली 68 है ऑप्शन बी ठीक है उराव जनजाति के ये शरद चंद्र राय के अनुसार वैसे 14 मेन है ठीक है 14 गोत्र मेन है और शरद चंद्र रॉय के अनुसार 68 गोत्र पाया जाता है उराव के लिए ठीक है नेक्स्ट उनाव जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है किसी भी ट्राइब किसी भी ट्राइब में जो सबसे फेमस होता है वो होता है अरेंज मैरिज सबसे फेमस जो होता है वो होता है अरेंज मैरिज और अरेंज मैरिज का नाम अलग अलग होता है अभी हम लोगों ने पढ़ा है संथाल इसके पहले तो संथाल ट्राइब में जो अरेंज मैरिज को बोला जाता है इसको या तो किरिंग बापला बोलते हैं या तो किरिंग बापला बोलेंगे या फिर इसी को सगाई बापला बोलते हैं ठीक है ये हो गया इसी चीज को उराव जनजाति में आयोजित विवाह बोला जाता है इसी चीज को उराव जनजाति में क्या बोलते हैं आयोजित विवाह बोला जाता है अब ये जो आयोजित विवाह है या फिर किरिंग बापला इसमें क्या होता है कि वर पक्ष है और वधु पक्ष है तो दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे के पास जाएंगे और विवाह तय करेंगे किसी मध्यस्थता के माध्यम से ही विवाह तय होती है मतलब मीडिएटर इसमें होता है और वधु मूल्य इसमें अनिवार्य होता है वधु मूल्य मतलब वर पक्ष के द्वारा जो दिया जाएगा वधु पक्ष को उसे बोलते हैं वधु मूल्य तो वधु मूल्य इसमें अनिवार्य होता है तो ऑप्शन सी आयोजित विवाह हो जाएगा सांगा विवाह जो है सांगा विवाह किसी किसी में सांगा विवाह जो विधवा विवाह हो, विवा होता है उसको बोला जाता है सेवा विवाह में क्या होता है इसमें जो घर जमाई होते हैं तो घर जमाई वाला जो कैटेगरी है वो इसी में आता है अब घर जमाई भी अलग अलग तरीके के होते हैं परमानेंटली वो रहेंगे कुछ समय के लिए रहेंगे जो वधु मूल्य का टाइप है जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ठीक है विधवा विवाह इसको सगाई बापला कहीं कहीं बोलते हैं कहीं सांगा बोलते हैं एक चीज ध्यान देना है कि विधवा विवाह में अगर संथाल की बात की जाए तो इसमें जो है वधु मूल्य नहीं दिया जाता ज्यादातर ट्राइब्स में वधु मूल्य नहीं दिया जाता जो पुनर्विवाह होता है इसका आंसर ऑप्शन सी आयोजित विवाह हो जाएगा नेक्स्ट उराव जनजाति में सहिया चयन समारोह का आयोजन कितने समय के अंतराल पर किया जाता है अब इसमें क्या है जैसे कि लड़का हो गया और लड़की हो गई ठीक है तो कोई बेस्ट फ्रेंड है होते हैं ना कुछ ज्यादा ही बेस्ट फ्रेंड है बहुत ज्यादा क्लोज है तो ऐसी स्थिति है ऐसा व्यवस्था है जनजाति में कि लड़का और लड़की एक दूसरे लड़का और लड़का जो है बॉय और बॉय है ना ये जो है एक दूसरे को सहिया चुन सकते हैं उसी तरह से गर्ल लड़की जो है लड़की को सहिया चुन सकती है तो ये सहिया है लेकिन सहिया तो ओवरऑल बोलेंगे ठीक है दोनों सहिया कहलाएगा एक दूसरे के लिए लड़का हो या लड़की लेकिन इसका नाम अलग अलग हो जाता है जब लड़कों की बात की जाए तो जो सहिया होते हैं इसको क्या बोला जाएगा इसको बोला जाएगा लार या फिर इसी को बोलते हैं संगी ओके आप सहिया बोल लीजिए या फिर लार या संगी बोल लीजिए लेकिन वही चीज अगर लड़कियों की बात की जाए तो लड़की में जो सहिया होते हैं सहिया जो होती हैं उनको गोई बोला जाता है या फिर इनको करमडार बोला जाता है इनको करमडार बोला जाता है तो ये लड़कियों के लिए सहिया गोई या फिर करमडार और लड़कों के लिए लार या संगी अब यहां ध्यान देना है कि ये जो लड़का है ठीक है अब सपोज इनकी शादी हो गई तो इनकी जो पत्नी है इनकी जो पत्नी है ये एक दूसरे की क्या कहलाएंगी ये भी सहिया है लेकिन सहिया में नाम चेंज हो जाएगा ओके ये दोनों सहिया है इनकी पत्नी भी सहिया हो जाएंगी लेकिन नाम इसमें चेंज हो जाएगा और नाम क्या हो जाएगा लारिन या फिर संगनी लारिन या फिर संगनी बोला जाएगा ठीक है तो ये दो तीन वर्ड है आपको याद होना चाहिए ठीक है तो ये जो प्रोसेस है सहिया चुनने का जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं सहियारो क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं सहियारो और यह हर तीन साल में अरेंज किया जाता है मतलब हर तीन साल में यह होता है ठीक उसी तरह से जिस तरह से धुमकुड़िया में एडमिशन होता है ऑप्शन सी हो जाएगा तीन वर्ष नेक्स्ट सहिया चयन समारोह के पश्चात बने मित्र को लड़कियों के द्वारा क्या कहा जाता है तो लड़की अगर किसी लड़की को सहिया बनाती है तो वो क्या कहलाएगी गोई या फिर करमडार गोई या फिर करमडार और इसमें लारिन संगनी भी होता है लेकिन लारिन संगनी कब होगा जब इनके पति एक दूसरे के सहिया है मतलब लारिया संगी है तब ये लारिन या फिर संगनी कहलाएंगी ओके तो लड़की जो है एक दूसरे को क्या बोलेगी गोई बोलेगी संगी जो है लार या फिर संगी लड़के बोलते हैं दूसरे को लारिन संगनी जो लड़का सहिया है तो उनकी पत्नी एक दूसरे को लारिन या फिर संगनी बोलेगी नेक्स्ट सह्या चयन समारोह के पश्चात बने मित्र को लड़कों के द्वारा क्या बोला जाता है लार या फिर संगी बोला जाता है लार या फिर संगी बोला जाता है गोई या फिर करमडार लड़कियों के द्वारा बोला जाता है और वैसे लड़के जो खुद एक दूसरे के लिए सहया है तो उनकी पत्नी क्या बोलेगी एक दूसरे को ला ये लारिन या फिर संगनी ठीक है इसका आंसर ऑप्शन डी नेक्स्ट सहिया चयन समारोह के पश्चात लड़कों की पत्नी आपस में क्या कहलाती हैं तो ये जो है लारिन कहलाती हैं या फिर संगनी अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक एक चीज से क्वेश्चन पूछा गया है तो होमवर्क सीरीज का मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि कहीं से भी जो है कोई लूप ना रह जाए इसी का यही इसका मकसद है आप देख रहे होंगे कि एक ही टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा रहा है तो इससे होगा ये आपको जो टॉपिक एक दिन पहले दे दिया जाता है आप इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन अटेम करेंगे एक्सप्लेनेशन देखेंगे बहुत कुछ याद हो जाएगा भूलेंगे आप नहीं और हर एक हफ्ता या फिर दस दिन में जितना भी टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया है उसका कंबाइंड टेस्ट भी होगा तो रिवीजन का कोई कमी नहीं है टेस्ट का कोई कमी नहीं है ओके और फी नाम मात्र है बस ट्वेंटी जो सक्षम नहीं है इसको देने के लिए तो उनके लिए यही सुविधा है कि ये पूरा का पूरा पी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ये जो एंड्रॉय एप्लीकेशन है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है उसके बाद ये यूट्यूब में भी अवेलेबल है इसका एक्सप्लेनेशन तो जो सक्षम नहीं है कोर्स कोर्स फी देने के लिए वो पीडीएफ देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं ठीक है ऑप्शन डी लारिंग नेक्स्ट उराव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या बोला जाता है इनकी जो पंचायत व्यवस्था होती है इसको क्या बोलते हैं पढ़ा पंचायत व्यवस्था पढ़ा पंचायत व्यवस्था ये बोलते हैं अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो गांव होता है ठीक है जो ग्राम होता है ग्राम का जो प्रधान होता है इसको बोलते हैं महतो ग्राम का प्रधान जो होता है इसको क्या बोलते हैं महतो बोलते हैं अब महतो के पास न्यायिक शक्ति भी होगी और प्रशासनिक शक्ति भी होगी मतलब ये जो है नियमों का पालन भी करवाएगा ओके और नियम पालन ना करने पे सजा भी देगा तो ये महतो का, का काम है इसका जो असिस्टेंट होता है इसको बोलते हैं मांझी किसमें पढ़ा में है ना इसको बोलते हैं मांझी असिस्टेंट जो होता है वो मांझी हो गया ओके ये हो गया अब क्या है कि ये तो असिस्टेंट हो गया ठीक है महत्व का तो काम क्या होता है किस तरह का ये जो है काम करता है महत्व का जो भी आदेश है उस आदेश को गांव वालों तक पहुंचाना यही मांझी का काम है ये हो गया ये एक ग्राम का प्रधान है इस तरह से बहुत सारे ग्राम होंगे तो संख्या क्या है पांच ग्राम हो गया ये पांच ग्राम वो किलो वाला नहीं है ठीक है मतलब गांव है ग्राम पंचायत इसको देखिए अगर एक रहेगा तो पंचोरा बोलेंगे ठीक है इसको क्या बोलते हैं ग्राम पंचायत को पंचोरा बोला जाता है तो जो पांच पंचोरा है ठीक है उस तरह से मिला के बनाया जाएगा या सात पंचोरा बनेगा ग्यारह इक्कीस या फिर बाईस तो इस तरह से जो है कंबाइंड करके जो पंचायत बनता है उसको बोलते हैं पढ़ा क्या बोलते हैं पढ़ा पंचायत बोलते हैं और इसका जो हेड होता है पढ़ा पंचायत का उसे क्या कहते हैं पढ़ा पंचायत का जो हेड होता है पढ़ा पंचायत का जो हेड होता है उसे बोलते हैं पढ़हा राजा अब पढ़ा राजा के पास किस तरह का केस आएगा दो या दो से अधिक गांव के बीच का जो मैटर है वो पढ़ा पंचायत में आता है और इसका फैसला पढ़ा राजा करता है ओके इससे भी ऊपर एक ऑफिसर होता है जिसको बोलते हैं पढ़ा दीवान क्या बोलते हैं पढ़ा दीवान पढ़ा दीवान जो है ये पढ़ा राजा से भी ऊपर होता है और किसी से फैसला नहीं हुआ तो पढ़ा दीवान उसका फैसला करेगा ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट है ओके इससे ऊपर कुछ नहीं है ठीक ना तो ये चीज है तो यहां पर जो ग्राम प्रधान होता है इसको बोलते हैं हम लोग महतो बोलते हैं और मांझी इसको असिस्ट करता है महतो का जो भी आदेश होता है उसको गांव तक पहुंचाता है नेक्स्ट उन्हां जनजाति में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है तो धार्मिक प्रधान जो होता है ये पाहन कहलाता है क्या कहलाता है पाहन कहलाता है पाहन जो है मुंडा में भी पाहन कहलाता है असिस्टेंट पुजार बोलते हैं ओके पनभरा कहलाता है उराव में भी पाहन ही कहलाता कह है इसका असिस्टेंट क्या कहलाता है इसका असिस्टेंट इसका जो असिस्टेंट होता है धार्मिक प्रधान हो गया पाहन और इसका जो असिस्टेंट होता है वो होता है बैगा क्या होता है बैगा होता है इसको वैद्या भी बोलते हैं बैगा या फिर वैद्या बोलते हैं ठीक है और ध्यान देना है कि जो ग्रामीण देवता होते हैं प्रमुख देवता की पूजा तो पाहन करवाएगा जो मुख्य धार्मिक अनुष्ठान है वो काम पाहन करवाएगा लेकिन जो ग्रामीण देवता है उनकी पूजा कौन करेगा बैगा करेगा या फिर बैद्या करेगा और पहले यही हेड हुआ करता था लेकिन अब क्या है कि पाहन हेड होता है बैगा बैगा हेड नहीं होता है ओके तो यहाँ पर उन्हा का जो धार्मिक प्रधान है उसको क्या बोलते हैं अब पाहन बोलते हैं बैगा पहले हुआ करता था अब पाहन बोलते हैं महत्व जो है प्रशासनिक और न्यायिक प्रधान है किसी ग्राम का ओके okay. बैगा इसका असिस्टेंट है पुजार भी इसका असिस्टेंट होता है लेकिन मेनली बैगा आपको याद करना है पुजार आपको मिलेगा संथाल में मिल जाएगा संथाल में नायके होता है ओके okay. जो धार्मिक प्रधान होता है मुंडा में पुजार होता है या फिर पनभरा होता है असिस्टेंट जो होता है पान का इसका आंसर ऑप्शन बी पान हो जाएगा नेक्स्ट उन्नाव जनजाति में गांव के पंचायत को क्या बोलते हैं इसको पंचोरा बोलते हैं हाथू जो है मुंडा जनजाति में ग्राम पंचायत को हाथू बोला जाता है सरना जो होता है पूजा स्थल होता है जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो अखड़ा में होता है जो पंचायत है उसको क्या बोलते हैं पंचोरा बोलते हैं ओके उराव जनजाति में किस स्थान पर सांस्कृतिक महोत्सव का कार्यक्रम किया जाता है सरना जो है यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर पूजा होता है ओके हाथू ये क्या है ये मुंडा जनजाति का ग्राम पंचायत है ठीक है अखड़ा जो है यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है ओके। okay? और पंचोरा क्या होता है उनाव जनजाति में ग्राम पंचायत को पंचोरा बोलते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी अखड़ा हो जाएगा नेक्स्ट उनाव जनजाति में युवा गिरी को क्या बोला जाता है युवा गिरी क्या होता है कि बच्चों को अपने समाज की शिक्षा देना नीतियों को समझाना ओके okay? शिक्षा नीति जो डिसिप्लिन है उसको बताना तो ये युवागृह में किया जाता है अब ये अलग अलग होता है जैसे कि संथाल हम लोगों ने पढ़ा है तो संथाल में क्या बोला जाता है इसको संथाल में इसको घोटुल बोला जाता है यही चीज हम लोग उराव में देख रहे हैं तो उराव में इसको क्या बोलते हैं इसको धूमकुड़िया बोलते हैं ठीक है इसको जो है धूमकुड़िया बोलते हैं फिर इसके बाद मुंडा देखेंगे तो मुंडा जो है इसमें गीती ओड़ा बोला जाता है क्या बोला जाता है गीती ओड़ा गीति ओड़ा मुंडा में बोला जाता है बिरहोर असुर इन सब में जो है बोला जाता है कोरा हो गया ओके यहाँ भी गीति ओड़ा ही बोलते हैं तो उरांव में युवा गिरी को धूमकुड़िया बोला जाता है ऑप्शन सी नेक्स्ट उरांव जनजाति में युवा गिरी में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र कितना निर्धारित किया जाना निर्धारित किया जाता है तो प्रवेश जो होता है इसमें क्या होता है कि 10 से 11 वर्ष के उम्र में प्रवेश होता है एडमिशन होता है ओके और कब तक होगा लास्ट कब तक है मतलब कि ये कब तक सदस्य बना रहेगा सदस्य जो है कब तक बना रहेगा जब तक इसका विवाह ना हो जाए विवाह होने के पश्चात खुद से ये स्वतः जो है इसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी विवाह होने के पश्चात तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दस वर्ष इसके बाद क्या है कितने वर्ष के अंतराल में इसमें क्या है कि हर तीन वर्ष में एडमिशन होता है हर तीन वर्ष में इसमें जो है एडमिशन होता है अब जब एडमिशन हो रहा है तो तीन तरह के मेंबर रहेंगे ठीक है तीन वर्ष में हो रहा है तो पहला मेंबर वैसा है जो बिल्कुल नया है ठीक है बिल्कुल नया है मतलब फर्स्ट टाइम जो है एडमिशन ले रहा है दूसरा क्या है कि जिन्होंने तीन वर्ष बिता लिया है तीन वर्ष जिन्होंने बिता लिया है और तीसरा टाइप है जिन्होंने तीन वर्ष से भी ज्यादा समय यहां बिता लिया है तीन वर्ष से ज्यादा समय जिन्होंने बिता लिया है ठीक है तो जो नया मेंबर है नया मेंबर को क्या बोलते हैं जो नया मेंबर को क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पूना जोखर इसको बोलते हैं पूना जोखर ये बिल्कुल फ्रेश एडमिशन ले रहा, रहा है फर्स्ट टाइम ले रहा है और जो तीन वर्ष पुराना है जो सेकंड टाइम एडमिशन ले रहा है उसको बोलते हैं मांझ जोखर क्या बोलते हैं मांझ जोखर ठीक है और तीन वर्ष से ज्यादा जिन्होंने समय बिता लिया है वो एडमिशन ले रहा है तो उसको बोलते हैं कोहा जोकर उसको बोलते हैं कोहा जोकर तो ये अलग अलग नाम है ये आप याद रखिएगा ठीक है तो में कितने वर्ष में एडमिशन होता है तीन वर्ष में होता है ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया प्रवेश पाने वाले नए सदस्य को जो नए सदस्य होते हैं इसको बोलते हैं पूना जोखर ऑप्शन ए हो जाएगा मांझ जोखर वैसे आ, सदस्य हैं जो तीन वर्ष बिता चुके हैं और तीन वर्ष से भी ज्यादा जिन्होंने बिता लिया उसको कुहा चोकर बोलते हैं ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर जो नए सदस्य हैं ठीक है और जिन्होंने धुमकुड़िया में युवकों के लिए स्थापित व्यवस्था को क्या कहते हैं अब जो युवा गृह है दोनों के लिए अलग अलग है दोनों के लिए मतलब पुरुष के लिए अलग है ओके और महिला के लिए या लड़कियों के लिए अलग है ठीक है यहां पर पुरुष लिखना सही नहीं होगा उम्र दस से ग्यारह है ना लड़कों के लिए अलग है और लड़कियों के लिए अलग है ठीक है तो लड़कों के लिए जो व्यवस्था है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं जोक एड़प्पा एड़प्पा ये हो गया लड़कियों के लिए जो व्यवस्था है इसको बोलते हैं पेल एड़प्पा ये हो गया तो ये अलग अलग युवा है किसके लिए लड़कों के लिए और लड़के के लिए और जोख एड़प्पा को ही धांगर कोड़िया बोला जाता है क्या बोला जाता है धांगर कोड़िया बोला जाता है जो लड़कों के लिए युवागिरी का व्यवस्था है उसी को बोलते हैं ऐसा ठीक है ये हो गया तो युवकों के लिए क्या होता है जोंक जोखड़प्पा होता है इसी को धांगर कुड़िया बोलते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा बेल लड़प्पा जो है लड़कियों के लिए हो गया अच्छा इसका जो संचालक है मतलब जिसके हाथ में वार्डन जिसको आप कह सकते हैं इसका जो संचालक होता है इसको बोलते हैं धांगर महतो क्या बोलते हैं इसको धांगर महतो ठीक है धांगर महतो होता है और इसको असिस्ट करने के लिए कोतवार होता है इसको असिस्ट करने के लिए कोतवार होता है ओके तो यहां पर धांगर जो है धांगर महतो क्या हो गया ये जोंक एड़प्पा या फिर धांगर कुड़िया का क्या हो गया ये संचालक हो गया कोतवार धांगर महतो को असिस्ट करता है ठीक है इसका आंसर ऑप्शन बी नेक्स्ट धूमकुड़िया में युवतियों के लिए स्थापित व्यवस्था का देखभाल किसके द्वारा किया जाता है तो युवतियों के लिए क्या हो गया धांगर कुड़िया हो गया और वही अगर हम लोग लड़कों के लिए देखें तो क्या हो जाता है जोक एड़प्पा हो जाता है और इसी को क्या बोला जाता है धांगर कुडिया बोला जाता है इसी को धांगर कुड़िया बोला जाता है ठीक है ये हो गया अब ये हो गया लड़कों के लिए तो इसका जो संचालक है इसको बोलेंगे धांगर में तो ये भी मैंने बताया इसको बोलेंगे धांगर तो लेकिन जो धांगर कुड़िया है धांगर कुड़िया कहने का मतलब क्या हो गया इनकी जो व्यवस्था है इसके, अच्छा मैंने शायद इस इसके पहले क्या कह दिया कि युवतियों के लिए जो व्यवस्था उसको धांगर कुड़िया कहते हैं धांगर कुड़िया क्या है ये देखिए इसमें क्या है कि युवतियों के लिए जो व्यवस्था है उसको बोलते हैं पेल अड़प्पा ठीक है इसको बोलते हैं पेल अड़प्पा और इसका जो संचालक होता है इसको बोलते हैं बड़की धांगरीन इसको बोलते हैं बड़की इसके लिए जो व्यवस्था होती है मतलब पेलड़प्पा की जो पेलड़प्पा जो है इसका जो संचालक होता है वो बड़की धांगरीन कहलाती है ओके ये हो गया अब यहां पर क्या बोला जा रहा था युवतियों के लिए स्थापित व्यवस्था का देखभाल तो बड़की धांगरीन हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन डी धांगर कुड़िया क्या होता है धांगर कुड़िया धांगर कुड़िया जो है जोक एड़प्पा को ही कहते हैं ठीक है स्टार्टिंग में मैंने गलत बता दिया था धांगर कुड़िया जो है जोकड़ा का ही दूसरा नाम है जोंक या धांगर कुड़िया क्या है जो युवक के लिए युवा गिरी का व्यवस्था है ठीक है ये चीज है तो यहां पर इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तो ये बीस क्वेश्चन थे ये जो है बीस क्वेश्चन थे और उम्मीद है आपने टेस्ट दिया होगा और आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है आज एक से दो दिन मुझे लगेगा ठीक है सभी एक्सप्लेनेशन लेक्चर अपलोड कर दिए जाएंगे और बिल्कुल टाइम से सब कुछ चलेगा मतलब कि अगर मैं बोलूंगा कि सत्रह तारीख को टेस्ट आने वाला तो सत्रह तारीख जैसे आएगा बारह बजेगा और ये टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा ठीक है तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा